हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने जो टाइटल में देखा कि 5G सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं हमारे देश में नहीं, बल्कि ये स्टार्ट हुई हैं साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया जो है वो वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बन गया है 5G सर्विसेज को इनेबल करने वाला, यानी लागू करने वाला। वहाँ पे वो फर्स्ट पहली कंट्री बन चुका है। जो ये रेस जो चल रही थी चाइना, जापान और US के बीच में, जो साउथ कोरिया के बीच में 5G सर्विसेज को लेके, अब जो इसमें बाजी किसने मारी है, साउथ कोरिया ने, जिन्होंने अपनी क्या है 5G सर्विसेज जो है वो वहाँ पर एक कॉमर्शियली तौर पे वहाँ पे क्या कर दिया है, वहाँ पे लॉन्च कर दी है। इनकी एक कंपनी है SK टेलीकॉम है, जिन्होंने क्या किया है, सबसे पहले एक कॉल की है। अभी आपको पता होगा कि फरवरी के महीने में सैमसंग S10 जो है वो लॉन्च हुआ था। उस सैमसंग S10 में 5G सर्विसेज तो थी ही थी, 5G को वो सपोर्ट करता था। तो उससे उस फ़ोन का यूज़ करते हुए, सैमसंग S10 का फ़ोन का यूज़ करते हुए SK सर्विसेज ने क्या किया है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक कॉल की है, वीडियो कॉलिंग करके इसकी शुरुआत की है। जो ये 5G सर्विसेज हैं ये 20 गुना तेज हैं 4G LTE से। LTE का मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। जो 4G जो सर्विसेज आप देखते होंगे कि जियो जब आप नेट चलाते हैं, जियो की 4G के पहले वहाँ LTE लिखा आता था। LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अब वहाँ का जो 4G LTE है वहाँ पे क्या है कि उससे ये 20 गुना ज़्यादा तेज है। जो कंपनी ने दावा किया है कि आने वाले टाइम में ये हर चीज़ का नज़रिया बदल देगी, जैसे कि गेमिंग स्ट्रीम, जो गेम स्ट्रीम करते हैं उसमें हो जाएगा, ऑटोनोमियस कार जो है उनके अंदर ये इवोल्यूशन लेके आएगी कुछ। और कंपनी दावा करती है कि कुछ आने वाले टाइम में ये जो स्पीड है 20 गुना से बढ़ के 100 गुना भी हो जाएगी। एक और दूसरी कंपनी है वहाँ पे KT, जो इसकी एक प्रतिद्वंदी कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ देश में रिलायंस जियो है, इसकी जो रिलायंस जियो की सारे प्रतिद्वंदी है, मतलब इसके सारे ही अपोजिट हो चुके हैं सिर्फ रिलायंस जियो के को लेके। तो ऐसे ही वहाँ पे SK टेलीकॉम की एक है KT टेलीकॉम, वहाँ उन्होंने भी क्या किया है कि अपने जो है ऑफर जो है वहाँ पे लॉन्च किए हैं, जो 4G LTE से भी लोअर हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे देश में ये जब आएगी तो कैसा माहौल होने वाला है, जब ये 5G हमारे देश में जब लॉन्च होगी। अब देखते हैं कि कब लॉन्च होगी और जब लॉन्च होगी तो कैसे प्लान यहाँ पर आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही जो इसमें सबसे बड़ी कंपनी, जो फ़ोन मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी उभर के आ रही है वो है सैमसंग का जो गैलेक्सी S10 जो लॉन्च हुआ था फरवरी में, उसकी बहुत ज़्यादा वाहवाहियाँ हो रही हैं भाई, क्योंकि फ़ोन तो वाकई में बहुत कमाल है। अब जो इसकी सैमसंग का जो छोटा सा, जैसे कि मैंने पढ़ा न्यूज़ में, एक स्मॉलर ड्राइवर लिखा गया है LG को, LG ने कहा है कि इसी मंथ के एंड में वो क्या है, वो भी अपना एक फ़ोन लॉन्च करने वाली है जो 5G सर्विस को सपोर्ट करता है। और US में भी 5G सर्विसेज जो है अप्रैल 11 तक 2 सिटीज़ में लॉन्च होने वाली है। देखते हैं कि भारत में ये कब सर्विस आती है, और जब ये सर्विस आएगी तो कैसा माहौल होता है कंपनीज़ के बीच में, कैसा माहौल होता है, कौन कितना अच्छा प्लान देता है, देखते हैं वो तो। अब चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपके लिए लेके आऊँगा कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें, बातें जो हम करेंगे। ठीक है, थैंक्स।